हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ, मैं नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सबको, मुझे, स्पर्श को, सिद्धांत को, इन सबको बुलाया गया है चीफ गेस्ट के तौर पे, क्योंकि आज दही हांडी है, कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सबसे पहले तो आप लोग को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्पर्श का हाइट कम है तो ये बेचारा पैर उठा उठा के देख रहा है। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं और आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे हम लोग कि क्या होने वाला है। तो आज हम लोग को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, तो आज का ब्लॉग इसी पे है। और फिर बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं हम लोग, बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ये अपना गोरेगांव वेस्ट में है और ये यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। जो आप देख रहे हैं ये सुदर्शन है, सुदर्शन तिवारी, इन्होंने बुलाया था। और ये देखिए, एक्चुअली दही हांडी जो होती है वो किसी चौक चौराहे पे ही होती है, तो ऊपर टांग दिया गया है। अब धीरे धीरे लोग आएंगे, यहाँ पे सारी तैयारी चल रही है। तो एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। और ये देखिए, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, अभी धीरे धीरे लोग जमा हो रहे हैं। और जो गोविंदा पथक होते हैं वो लोग यहाँ पे आके सलामी दे रहे हैं। तो अभी आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में शुरू से अंत तक। ये देखिए, यहाँ गोविंदा पथक जो है ये सलामी दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। भैया पैसा लेबा, थोड़ा अंदर आ जाना, कोऑर्डिनेट करिए। बताइए है तो लाके दिखाइए, जिनके पास भी 75 आजादी के जो महोत्सव, अमृत महोत्सव का जो प्रिंटेड कॉइन है वो लाके दिखाएंगे, उनको मिलने वाला है। आई
एक कॉमेडियन है वी आशीष करके, ये यहाँ पे अभी परफॉर्म करने वाले हैं गाने पे अलग अलग एक्टर्स के स्टाइल में, तो आप देखिए एंजॉय कीजिए इसे। तो पहचाना आपने ये कौन से एक्टर का डांस कर रहे थे? जी हाँ, ये अमिताभ बच्चन जी का डांस था। और अब ये देखिए ये कौन से एक्टर है, पहचान के बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो ये काका और राजेश खन्ना जी का डांस किया है यहाँ पे इन्होंने उनके स्टाइल में। और अब ये जो कर रहे हैं ये हैं कौन से एक्टर, आप नाम बताइएगा। तो ये डांस स्टाइल है भारत कुमार और मनोज कुमार जी का जो यहाँ पे कर रहे हैं। और अब ये जो कर रहे हैं ये पॉपुलर कॉमेडियन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनका डांस कर रहे हैं उनकी स्टाइल में, आप पहचान के बताइए। तो ये डांस है जॉनी लीवर साहब का, उनकी स्टाइल में उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। कि किसी को चाहलो तो चाह दो जाती है, बाबा बाबा बोली ऐसे कहा जाता है कि किसी को चाहलो तो चाह दो जाती है, किसी को अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया कि दिल में रहता है खुदा, अगर लोगों को अगर हंसा लो तो इबादत हो जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, तालियां बज रही उनके लिए। और ये कुछ बच्चे वहाँ पे भीड़ से ही वहाँ से आए हैं, ये बच्चियाँ यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं डांस का, क्योंकि जो एंकर है उन्होंने बुलाया था कि भाई आप में से कुछ भी कोई परफॉर्म करना चाहते हैं तो आके कर सकते हैं। और ये देखिए सब सिद्धांत स्पर्श करना सब एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी, मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ ये डांस परफॉर्मेंस इनका। तो रात हो चुकी है और ये गोविंदा पथक जो है ये आके यहाँ पे सलामी दे रहे हैं, काफी डेंजरस होता है लेकिन मजा आता है देख के। और जान हथेली पे रह के ये लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी ये प्रैक्टिस होती है, काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं और तब जाके ये लोग ये देखिए शानदार एकदम मज़ा आ गया। वाह वाह, देखिए छोटा बच्चा कैसे खड़े होकर सलामी देता है, मज़ेदार। तो आप लोग को भी इस ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, आई सपोज कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, काफ़ी लोग हैं। और इन गोविंदा पथक का सम्मान भी किया जाता है जितने भी जो लोग आते हैं यहाँ पे,
ये देखिए ये बच्चा कैसे खड़े होके सलामी दे रहा था। और ये देखिए एक और गोविंदा पथक यहाँ पे आ गए हुए हैं ये भी सलामी देने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड एक्साइटमेंट के साथ एंजॉयबल है ये मोमेंट देखने के लिए। सब हम लोग मज़े ले रहे हैं और मुझे लगता है सिद्धांत स्पर्श का ये पहला मौका है इस तरीके से बाहर निकलने का। एक्चुअली 2 साल से कोविड में ये सब चीज़ें बंद थी, तो अभी जो महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने अलाउ किया है। और यहाँ पे 2 और बच्चियाँ अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं। ये सब भी यहीं शायद मुझे लगता है लोकल से ही यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। हिम्मत होनी चाहिए स्टेज पे खड़े होके परफॉर्म करने की। और ये वी आशीष जी यहाँ पे मिमिक्री कर रहे हैं, एक अपना आइटम प्रेजेंट कर रहे हैं, देखते हैं इसे। और
तो एक और गोविंदा पथक यहाँ पे हैं जो सलामी देने के लिए, ऐसे कई सारे गोविंदा पथक आए। और ये देखिए शानदार, ये छोटे बच्चे होते हैं सबसे ऊपर में जो खड़े रहते हैं, दिलेरी है इनकी ऐसे परफॉर्म करने के लिए। आपने उनको क्राइम पेट्रोल से लेके जितने भी स्टोरी सबके
एज अ मोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर के रोल में देखा होगा, तो मैं चाहता हूँ जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सौरभ कुमार जी का। अरे देखिए आप बोलेंगे यार ये पूरा परिवार ही लगता है उसमें ही है, और ये एग्जैक्ट है, ये पिछले 20 से 25 सालों से ये सर्विस दे रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए, तो मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां। आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सुमन है और पिछले 15-16 सालों से मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कई सारे टीवी शोज किए हैं, कई सारी मूवीज की हैं, लेकिन आपने मुझे सबसे ज्यादा देखा होगा तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट वाले शो में, क्योंकि ये शोज मैंने ज्यादा किए हैं और इसमें मैंने पुलिस वाले का किरदार निभाया है। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई आप लोग अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहे। आप में से कितने सारे लोगों ने शूटिंग देखी है, क्राइम पेट्रोल का शूट देखा है क्या आपने? तो अगर आगे भी आप शूट देखना चाहते हैं तो मेरा बहुत कॉमन नाम है सौरभ सुमन, बहुत कॉमन नाम है, तो आप सोशल मीडिया पे टाइप करेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इसलिए बॉलीवुड एक्टर सौरभ सुमन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, आप उसको सर्च कीजिए, वहाँ जाइए और आप वहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग होती है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। बहुत आसान हो गया है अभी देख पाना बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो आप लोग जरूर वहाँ जाइए और टाइप कीजिए बॉलीवुड एक्टर सौरभ सुमन, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट, सब है, आप देखिए वहाँ। और आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं ये कहना चाहूंगा, धन्यवाद। और सुमन परिवार यहाँ पर आए हैं, देखिए आपको ऐसा YouTube पे देख सकते हैं कि कोई फिल्म की शूटिंग होती कैसे, ऐसा क्वेश्चन तो रहता होगा ना, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है कि नहीं, तो ये समझ लीजिए इनके YouTube चैनल पे पूरा पूरा आपको पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है। सो हमारे भी सुमन परिवार जी को फेलिसिटेट करने आ रहे हैं हमारे प्रहार सामाजिक संस्था के अध्यक्ष श्री संतोष सेठे जी, प्लीज एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। आप लोग थैंक यू सुमन परिवार यहाँ पर आया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख ने पूरे आओ ये देखिए यहाँ पे महिला गोविंदा पथ भी है, ये लोग भी आई हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए और ये भी सलामी देंगी। ये बात तो सही है कि भाई लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। ये देखिए कैसे ये लोग सलामी दे रही हैं। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं लेकिन यहाँ पे क्या पुलिस वाले आगे में हैं, चूँकि रश ज़्यादा हो गया है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे लड़कियाँ ये पिरामिड बना रही हैं। ये देखिए वाह अद्भुत, और ये देखिए सलामी देते हुए शाबाश, मजा आ गया देख के। यहाँ अभी और भी प्रोग्राम होने वाले थे लेकिन अब ये पुलिस वाले चूँकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की। और यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सड़क जाम हो रखा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में प्रोग्राम्स ख़त्म कर रहे हैं लोग। नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। इनको भी सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कल रात को हम लोग काफ़ी लेट आए, करीब 10:30-11 हो गया था, और तब जाके हम लोग सो गए। जो क्लोजिंग वीडियो था वो हम बना नहीं पाए, तो आज सुबह उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम सब ने काफ़ी एंजॉय किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला जो ब्लॉग है जल्द ही मैं एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। होपफुली अच्छा लगेगा, और साथ ही अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।